मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एस सी का जो है उसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है बुक्स आ गई है इंस्टीट्यूट की फॉर सेट ए एंड सेट बी तो बुक्स अपडेट मेरे बैचेस का अपडेट ऑल ऑफ दैट इज नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन द नेक्स्ट फाइव मिनट्स आप लोगों को स्पेसिफिकली अगर कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन डेफिनेटली यूज द कमेंट बॉक्स फॉर दैट आज मैं अभी आप लोग के साथ जो डिस्कस करने वाला हूं ऑल ऑफ दैट इज वॉट यू विल फाइंड इन द टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से यू कैन जस्ट गो दा डिटेल मॉड्यूल का आज डिस्कशन है आने वाले टाइम में और भी काफी सारी चीजों पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ट्यून एंड से सर कहा मिलेगा हमारे को एज आई टोल गेट इट वेर बदल गया है या जो आपका लॉ था वो इकोनॉमिक कारपोरेट लॉस आई डों नेम बट उसमें बदल गया है so, में चार सेट्स आ गए लॉ एस सी एम कॉस्टिंग बेसिकली अपना सेट सी सेनियस में नाम दे रहा हूं क्योंकि अभी तक इसका बुक भी नहीं आया कोई कंटेंट भी नहीं आया तो इसको आई थिंक टाइम है इंस्टीट्यूट भी इसको हल्के में ले रहा है और आई थिंक मे ट्वेंटी फोर वाला तो शायद उसको तो बहुत लेट देना है जो सी ए फाइनल में आ गया उसको ये देना भी नहीं है सो वी विल इग्नोर फॉर दिस फॉर नाउ अब ऑल एस पीओ एम से हंड्रेड परसेंट एमसीक्यूज एज पर द ड्राफ्ट जो उन्होंने दिया था अब इसमें कोई अगर चेंज आने वाला है तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई चेंज आता है एलकीप्यू अपडेटेड पासिंग मार्क्स होने वाला है

आई I मीन mean, उसके बाद है मे ट्वेंटी फोर के बाद देन इन दैट केस बॉस पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा उसके बाद ही आप मेन एग्जाम दे सकते हो एंड दैट इज वेर दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट एक बेनिफिट है कि मेन जो आपका एग्जाम है उसमें इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे बट मेन एग्जाम देने के लिए ये एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा एट अ एक्सपर्ट लेवल प्लस अगर आप लोग नोट करोगे तो यहां पे देखो मैंने बताया इंपैक्ट ऑन पेपर सिक्स ऑफ सीए फाइनल इंटीग्रेटेड बिजनेस स्टडीज आपको पता होगा उसमें भी के स्टडीज विल इंक्लूड कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी तो इसके लिए वी हैव टू डू इट प्रॉपरली नो डाउट एज अबाउट एस दैट मैं थोड़ा भी आप के साथ डिस्कस करूंगा कि इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है रिलेटेड टू सेट बी उसका क्या सीन रहेगा ऑल्सो बुक्स के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूं एंड बैचेस एंड उसकी प्री बुकिंग का जो भी अवेलेबिलिटी uh, है that will be updated very soon so you can share your doubts as regards to anything through the comment box other than that mai aap logo ko milte rahunga and will keep on guiding you relating to same ab obviously mcq level wala hai to iske jo mcqs hai i will be sharing it on my telegram channel तो वहां पे अपन लोग रोज फाइव फाइव टेन टेन MCQs करते रहेंगे but वो MCQ discuss करे उसके पहले content भी तो पता हो so उसके लिए books और batches आ रही है बहुत बहुत जल्द आ रही है थोड़ा सा वेट करिए, गेट बैक टू यू वेरी सुन रिलेटिंग से जो एस सी एम एस पी एम बन रहा है इसमें कुछ चेंजेस है क्या तो एक तो आप स्टूडेंट हो गए जो फर्स्ट टाइम में ट्वेंटी फोर बियॉन्ड अटेम्प्ट देने वाले हो तो चेंजेस का तो आपको कोई लेना देना है ही नहीं इट इज टोटली न्यू फॉर यू

वो ओल्ड वाला है और ये जो अब है ना न्यू एस ओ एम वाला वो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है एज यू कैन सी एल वो मेरा राइट हैंड साइड पे है सो इंट्रोडक्शन टू एस जो फर्स्ट चैप्टर है वो ही देख के मैं थोड़ा शॉक रह गया बिकॉज देर वर मेनी मेनी चेंजेस ऑलमोस्ट न्यू एंड वेरी मोर डिटेल सो काफी डिटेल्ड कंटेंट बनाया है मतलब एक तरफ अपने को थॉट प्रोसेस लग रहा था अरे ये तो सब्जेक्ट जा रहा है ये सब्जेक्ट में तो अभी इंस्टीट्यूट क्या ही मेहनत करेगा एंड जब मैं इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देख रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर देख रहा हूँ आई एम शॉक टू सी देर आर सो मेनी एडिशन सो मेनी न्यू थिंग्स जो इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है कि अब इस सब्जेक्ट को भी इनडेप्थ पढ़ना पड़ेगा अब देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या लेवल ऑफ एमसीक्यूज निकालता है बट एटलीस्ट कंटेंट वाइज आई कैन टेल यू के डेप्थ और बढ़ गया है एज कंपेयर टू वॉट इट वॉज

न्यू uh, सिलेबस में फिर उन्होंने ये फिफ्थ चैप्टर ही निकाल दिया कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर बट न्यू सिलेबस में टोटली न्यू कंटेंट उन्होंने यहाँ पे डाला है ऑफ इमर्जिंग बिजनेस नीड्स जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी है ब्लॉक चेन है ऑल ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग जो हुआ करता था अब डिसीजन मेकिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन को कंबाइन करके एक चैप्टर बना दिया है स्ट्रैटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट सो सिमिलर है बट यू कैन से जो uh, दो सब्जेक्ट जो टॉपिक्स है उसको एक कर दिया है फिर स्ट्रैटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट है एक चैप्टर था स्ट्रेटेजिक इनकम उससे सिमिलर है ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड विद जो जान थी अपना दो से तीन चैप्टर में बाइफरगेट कर दिया है ट्रांसफर प्राइसिंग जो पहले था अभी भी है बजेटरी कंट्रोल एक चैप्टर खाली उन्होंने रिमूव किया है बाकी एवरीथिंग इज देयर एज इट इज एंड कुछ और एडिशन है तो मेरे को तो आप पूछो तो एस सी एम पी से ज्यादा डेप्थ हो गया है ये एस सी एम एसपीएम जो नया सब्जेक्ट uh, आया है केस स्टडीज ऑलमोस्ट सेम सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम सो अब मैं जब कंटेंट के ऊपर काम कर रहा हूं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मुझे पता है सब कुछ सेम है तो टेंशन नहीं है ट्रांसफर प्राइसिंग सेम है जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ चैप्टर्स थे जैसे चैप्टर टू चैप्टर थ्री ये भी पूरे के पूरे सेम है

ऑल ऑफ दिस वेरी प्रॉपरली सो दैट जो के स्टडीज है उसको भी अपन अच्छी तरह से मैनेज कर पाए राइट गाइज right चलो सो so ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया और काफी सारी चीजें आती रहेंगी रिलेटेड टू ऑब्वियसली एस सी एम एस पी एम ए एफ एम जो मेरा नया सब्जेक्ट है इंटर कॉस्टिंग है इंटर एफ एम है सो so काफी सारी अपडेट के साथ मैं आने वाला हूँ स्टेट यून स्टे सब्सक्राइब अस्तर एनिथिंग एल्स लेट मी नो ही थैंक यू